सबसे पहले आप सभी भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनीता और सुंदर रावत यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बना रही हूँ मैं अरसे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और इस गर्मियों में तो नहीं खाया जाता, लेकिन बना रही हूँ मैं कहीं दूर के लिए। तो ये जहाँ जाएंगे ये अरसे, वहाँ ठंडा इलाका है तो वहाँ के लिए बन रहे हैं, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है। तो बना रही हूँ मैं आज, और आज इसकी वीडियो दिखा रही हूँ। सबसे पहले ये मैंने चावल भिगा रखे थे, जो कि रात भर भिगा रखे थे, और अब जाके मैंने शाम के 2-3 बजे करीबन इसका पानी निकाल के रख दिया, कोले में डाल दिया। और इसके बाद इसका पानी जब सूख जाएगा, इसके बाद इसको हम मिक्सी में पीसेंगे, और मिक्सी में पीसने के बाद इसके छन्नी से छान के बारीक दबा, और थाली में छानी छान छान के इसको दबाते रहेंगे, ढकते रहेंगे, क्योंकि इसका पानी सूखना नहीं चाहिए। तो इसी तरह से बनाएंगे हम, आप देखते रहिए। तो ये भिगाए थे मैंने 2 किलो चावल। आप बना सकते हो, कभी भी अपने घर में कोई कठिन नहीं है, बनाना बहुत सरल है, बहुत ही सरल है इसे बनाना। बस आते हैं कि पाक अच्छा बने, पाक अच्छा रहे तो अरसे भी अच्छे बनते हैं। वैसे टेस्टी अच्छे होते हैं अरसे, गर्मा गर्म उसमें घी लगा के खाओ तो और भी स्वादिष्ट होते हैं। वैसे तो स्टोर करके भी रख सकते हो, 1-1.5 महीना चल जाते हैं, काफ़ी चल जाते हैं, ख़राब नहीं होने वाले। ऐसे ऐसे जब भी इच्छा कर सकते हैं तो आप थोड़ा सा भी बनाओ, अपने घर में आराम से बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कठिन कुछ नहीं है। फिर दोबारा से पीसेंगे उसको, थोड़ा सा इसमें और डालती हूँ। और नमी सूखनी नहीं चाहिए, फिर इसको छान के फिर उसके बाद उसी में डाल, और इसी तरह से पीसते रहेंगे, छन्नी से छानते रहेंगे, और इसी तरह से दबा दबा के रखेंगे, इसकी नमी नहीं जानी चाहिए। और अब हमने ये पीस दिया है, और अब डालूंगी इसमें मैं पानी। तो 2 किलो चावल में डालेंगे हम 3 गिलास पानी, 1 किलो में 1.5 गिलास, तो डालेंगे हम 3 गिलास पानी। इसको अच्छे से गरम करूंगी, इसमें डालूंगी मैं गुड़, और यह है 1 किलो गुड़। तो पूरा गुड़ नहीं डालूंगी मैं, 1.25 किलो करीबन डालूंगी। यह है ड्राई फ्रूट्स, यह है बादाम, और यह है काजू, यह है सौंफ। तो इन तीनों को मैं पीस दिया है मैंने इनको, ड्राई फ्रूट्सों को, और देखो बारीक बारीक से कर दिया है मैंने। और इसके मैं इसी में डालूंगी इसको, और पाक बनता जा रहा है वाला दिया। 1 कटोरी में पानी रखना है, और उसके बाद इसको गरम गरम को लेप को डालना है, चेक करेंगे कि अगर गोली बनने लग जाएगी तो इसका मतलब पाक बन गया है। अभी थोड़ा सी कसर रखिए, नहीं बन रहा है, थोड़ी सी कसर बाकी है, दोबारा से चेक करते हैं।
गया करीबन, थोड़ा सा रह रहेगा, थोड़ा सा। और अभी हमने बंद कर दिया है। अभी ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। उसके बाद धीरे धीरे इसको डालती हूँ। और ये बन गया हमारा पाक। अब डालेंगे हम तेल। सरसों का तेल, सरसों के तेल से मुलायम होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं और काफ़ी दिनों तक रहते भी हैं, ख़राब नहीं होते, काफ़ी दिनों तक रह जाते हैं, इसलिए सरसों का तेल बेस्ट होता है। अभी हम छोटी छोटी गोली करेंगे। आगे तेल है, कड़वा तेल, आगे कड़वा तेल लगाएंगे हाथों पे और इस पे भी। ये बन गई फर्स्ट क्लास। इसी का तेल डाला ना इसमें, गरम तेल। और ये सबसे पहले भगवान जी के नाम की ये। पितृदेवों के नाम से। और फिर इसको बनाएंगे हम इधर से डालना ये। भरगाँव का पिया मिठाई है ये, शादी पार्टी बेटियाँ सरसों आ जाती हैं उस समय बनता है ये, तो बहुत अच्छा कलो है ये गांव का। ये बन गया से काम आज कर देंगे हम। और ये बन गए हैं अरसे तैयार, तैयार हो गए हमारे अरसे। और आ जाइए गर्मा गर्म अरसे खाने। ज़्यादा बड़े नहीं बनाए, छोटे बनाए हैं, छोटे छोटे सही रहते हैं। बड़े अरसे खाने एक ही बार खाया जाता है, छोटे अरसे थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। हेलो दगड़ियों, बन गए अरसे, गढ़वाली अरसे देखो, जोरदार अरसे बन गए कलियो कंडी।
खाओ और बनाओ। और वीडियो अच्छी लगल तो लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद। ओम नमस्ते। मिलती हूँ मैं अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अरसे खाओ गर्मा गर्म। ओके, बाय।